Guys, what's up and welcome to my channel. My name is Sachin and I hope you all are fine. So dear boys and girls, आज हम लोग बात करेंगे जेमिन 2023 second session यानी अप्रैल session के competition level के बारे में. उस बाद हम लोग बात करेंगे कि आप लोग का safe score क्या होगा category wise. तो इस वीडियो से आप लोग एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग कितना परसेंटाइल आप लोग को स्कोर करना है, कितना आप लोग का सेफ स्कोर होगा सेकंड अटेम्प्ट में. तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो है सेकेंड सेशन का वो स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि रजिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रजिस्ट्रेशन विंडो इस बार आप लोग का ओपन नहीं होगा, तो कोई गलती आप लोग मत कीजिएगा. चलिए हम लोग अपने पॉइंट्स में आते हैं और हम लोग बात करते हैं कि आप लोग का सेफ स्कोर क्या होगा कैटेगरी वाइज. तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आप लोग को एक टारगेट लेके चलना चाहिए कि आप लोग को 150 प्लस मार्क्स स्कोर करना है आउट ऑफ 300. 150 प्लस मार्क्स आप लोग का स्कोर करना ही होगा, यही आप लोग का सेफ स्कोर है. इससे आप लोग का बेस्ट NIT कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा. 150 यानी 150 प्लस. उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर आप लोग EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आप लोग का जो टारगेट रहना चाहिए आप लोग का 140 या 130 तक आप लोग को टारगेट लेके चलना चाहिए, कि इतना आप लोग स्कोर करना ही पड़ेगा एक बेस्ट NIT कॉलेज के लिए. 130 प्लस आप लोग को स्कोर करना है अगर आप लोग OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो. उस बाद हम लोग बात करें कि जो ST और SC कैटेगरी के जो बच्चे हैं आप लोग को टारगेट लेके चलना चाहिए कि आप लोग को 110 प्लस स्कोर करना है आफ्टर 300 फॉर बेस्ट NIT कॉलेज. तो यहाँ से आप लोग जो ये आप लोग का सेफ स्कोर है इसके प्लस में रहोगे तब आप लोग एकदम सेफ रहोगे और आप लोग एक बेस्ट NIT कॉलेज बुक कर लोगे. और अगर हम लोग कॉम्पिटिशन लेवल का बात करें तो आप लोग का प्रीवियस अटेम्प्ट में यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में टोटल 8 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो अपीयर किए थे, 8 लाख. और इस बार जो कैंडिडेट जो बैठेंगे वो 9 लाख के अप्रोक्स कैंडिडेट जो बैठेंगे. तो यानी थोड़ा सा कंपटीशन लेवल आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा हाई होगा. तो मेक श्योर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करके जाना, और केमिस्ट्री में NCERT आप लोग अच्छे से करके जाइएगा. जो बच्चे प्रीवियस अटेम्प्ट का एग्जाम दिए उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा. तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन NCERT ये सारी चीज़ अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोग इजीली जो आप लोग का सेफ स्कोर है उसको क्रॉस कर जाओगे. तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो.